अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया था। उम्मीद है बकिया क्वेश्चन जो है उसके बकिया पार्ट्स के उसके बकिया जो पार्ट्स हैं वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसका पार्ट नंबर 1 कहते हैं। इस तरह उसके बकिया पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेने हैं। अपने नोट्स पर आ जाएँ। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का है, उसका पार्ट नंबर 1 है 3.6 के जो है ना, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। कल हमने किया था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो करना आपने क्या है, 3.6 को आपने बॉक्स के अंदर रखा। अब क्योंकि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, इसलिए पॉइंट के बाद हमारे सिर्फ 4 डिजिट्स ही काफ़ी हैं। एक 6 हो गया, उसके बाद आपने 3 ज़ीरो लगा लेने हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को। जैसा कि पिछले केस में हमने 6 ज़ीरो लगाए थे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 6 ज़ीरो इसलिए लगाए थे कि उस केस में हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। इसलिए हमने, हमारे पास 2 के बाद डिजिट नहीं थे, इसलिए हमने खुद से 0 लगाए थे ताकि हम जो है ना 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। इसी तरह 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट पर 4 डिजिट्स ही काफ़ी हैं। एक 6 हो गया और 3 हमने खुद से अपनी तरफ से 0 लगा लिए। अब अगेन वही तरीका पेयरिंग करनी है, आपने 0 की करनी है, यहाँ से 2 ज़ीरो और फिर 6 ज़ीरो की आ गई और यहाँ पे 3 रह गया। बाकी 3 को करेंगे किसके साथ होगा, 1 के साथ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बाकी 1 रह गया। 3 को 1 में से 1 माइनस किया, 2। अब पूरे का पूरा पेयर नीचे उतारें, 6 ज़ीरो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये क्या बन गया 2 6 ज़ीरो। 1 को 1 में ऐड करें, क्या आएगा 2। 2 के साथ कौन सा सा डिजिट लगाएं जो यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी वही हो और यहाँ भी वही हो, यानी दोनों साइडों पे सेम हो। 28 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 224। 260 में से 224 माइनस किए, हमारे पास क्या आंसर आया, 36। ऊपर से 20 का पेयर नीचे उतारेंगे, 3600 आ गया। 28 में 8 प्लस करेंगे, क्या आएगा 36। 36 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट लगाएंगे यहाँ पे 3600 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 9 लगाएं, यहाँ भी 9 रखें, 3369 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे आंसर आएगा 3321। 3600 में से 3321 माइनस करें, आंसर आएगा 270, रिमाइंडर आएगा 279। सो आगे मज़ीद इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही फाइंड करना था। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 3.6 का, 1.89। ये अलमोस्ट का साइन है तकरीबन, यानी इसको तकरीबन किया हुआ है 1.90 के, 1.89 को ये राउंड अबाउट किया हुआ है इसको, यानी हमारे राउंड अबाउट के रूल के मुताबिक अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से अबव हो तो हम उसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं। पॉइंट के बाद चूँकि 89 5 से अबव है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एक डिजिट बढ़ा के इसको 90 कर दिया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आपने इसके जो है ना खुद से सॉल्व करने हैं।